हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की पूजा कुछ इस तरह से शुरू हुई। ये कौन सा पूजा है? अच्छा, ये किसके लिए किया जाता है? लक्ष्मी देवी। अरे ये एक्चुअली कैसे है, एक कहानी है इस पे। अरे बाबू हटो पीछे। कभी कभी अगले थर्सडे बुक पढ़ूंगी ना, तो तभी बिठा दूंगी। ये पूजा मेरी फ्रेंड के यहाँ हुई है और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये हल्दी कुमकुम के लिए हमें बुलाई थी, तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं हल्दी कुमकुम के लिए। और कृष्णा जो बनाना प्रसाद के लिए चढ़ा है उनके लिए परेशान कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से लेके उनको घर चली आती हूँ। बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकती हूँ। घर आने के बाद मुझे कुकिंग भी करना था, तो अभी हम जा रहे हैं सब्ज़ी बनाने। सब्ज़ी बनेगी आज आलू और मटर की, दम आलू मटर वाली, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी मेरे स्टाइल में बिल्कुल भी। तो ये मैं अनियन में मटर पहले ही भून लेती हूँ, क्योंकि यहाँ के मटर थोड़े से मतलब ऐसे बहुत नरम नहीं होते हैं, थोड़े ऐसे मोटे वाले होते हैं इसीलिए। और मैंने ये थोड़ी सी मसाला तैयार की है, इसमें गर्म मसाला है और लहसुन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, धनिया है, इसे हम पीस लेते हैं। और ये हमें ना अच्छे तरह से भून लेनी है बिल्कुल भी अच्छे तरह से, ताकि ये पक जाए, क्योंकि इसे पकने में बहुत टाइम लगता है। जो मसाला हमने पीस के रखा था ना, वो मैं डाल देती हूँ। और फिर अच्छे से उसमें नमक और हल्दी, मसाला डालते के साथ नमक हल्दी डाल देना चाहिए, क्योंकि जो नमक से रिलीज होता है ना पानी, उससे सब्ज़ी पकने में आसानी होती है, इसीलिए हमें पहले डाल देना चाहिए और अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें, कम ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, टेस्ट के अनुसार ही डालें। और इसे अच्छी तरह से चलाते रहे, बहुत ही अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। और ये देखिए हमारे बालकनी में ना कबूतर दाना चुन रही है, तो हम ना सुबह सुबह दाना रख देते हैं बालकनी में कबूतरों के लिए, चिड़ियों के लिए, तो चुगने लगती है। इसमें मैं थोड़ा सा और मसाला ऐड कर देती हूँ, जैसे कि मिर्चा पाउडर हुआ, धनिया हुआ, धनिया तो सॉरी हमने डाल चुके हैं, गरम मसाला पाउडर, तो थोड़ी सी रेडीमेड मसाला भी डाल देती हूँ, इससे थोड़ा टेस्ट और कलर में चेंज हो जाता है, तो वो मैं डाल देती हूँ। और आलू केवल कृषु खा लेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा चटपटा ही बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं ये बनाई हूँ सरसों बथुए पालक की साग, जो कि मेरा फेवरेट है। दम आलू साग और राइस ऐसे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडे के दिनों में तो और अच्छा लगता है। और इसमें एक छोटी सी टमाटर हम डाल देंगे, तो ये डाल देते हैं और इसे बहुत ही अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल भी रिलीज होने लगा है। और इसमें मैं बड़ी डाल देती हूँ, बड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसु की रेडी को बहुत पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा ही बड़ी डाल रही हूँ अपने लिए ही, तो अलग बनाना नहीं होता है ना, तो मैं थोड़ा सा खाने के लिए सिर्फ डाल देती हूँ। जब तक ये भून रहा है तब तक हम आलू छील लेते हैं, आलू को मैश कर लेते हैं। तो छोटे छोटे आलू हैं मेरे पास, बहुत बड़े नहीं हैं, तो इसे बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। देन हम कढ़ाई में डाल के आलू को भी थोड़ा 2 मिनट तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉयल्ड है, तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और दूसरी तरफ मैं पानी भी गरम करने को रखी हूँ, क्योंकि गरम पानी ही डालेंगे सब्जियों में। तो ये पहले अच्छे से भून लेते हैं, ताकि मसाला हर एक जगह हर एक आलू में अच्छे से मिल जाए, फिर हम पानी डाल के उसे पकाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से बना लेना है, भून लेना। ये देखिए भून गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, ये गर्म पानी है। और मीन्स गर्म पानी से वही चीज़ है कि अच्छा आता है, और वो जो कढ़ाई में सब्ज़ी भी गर्म होती है, गर्म पानी डालो तो पकने में बहुत जल्दी पक जाती है, ऐसे ही कढ़ाई में। तो आप भी अपने किचन में एक बार प्लीज़ बना के देखिए, बहुत ही अच्छा ऐसे दम आलू बनता है, बिल्कुल गांव की तरह जो हमारे बिहार साइड में बनता है उस तरह बनता है। और साग के साथ तो ठंडे में तो ऐसे लगता है ना चटपटा चीज़ खाएं, तो वही चटपटा के अनुसार मैं बनाती हूँ हर एक चीज़ें। तो ये बहुत अच्छे तरह से इसे पका लेना है, और इस तरह बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा बना है। देखिए सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है, मैं गैस बंद कर लेती हूँ। देन मैं डाल धनिया पत्ती, तो धनिया पत्ती सीजन है ना, तो अच्छा लगता है धनिया की चटनी, धनिया धनिया मतलब अच्छा लगता है, तो उस पर बना लीजिए और खाइए आप भी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अनु स्पेशल एंड ब्लॉग्स। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ कृष्ण को डॉक्टर के पास लेकर। उसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए जा रही हूँ। तो रूटीन चेकअप जाने से पहले हम
पहले उनका फाइल रखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि बैगेज में क्या क्या होना चाहिए जो हम कभी बेबी को बाहर लेकर निकलते हैं और मतलब पर्पल्दी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल, तो उसके लिए तो मैं ये बैग ली हूँ। ये बैग कृषु का ही जब से वो हुए हैं तब से मैं इसे कैरी करती हूँ। तो इस बैग में सबसे पहले मैं रखूँगी, आपको दिखाती हूँ बैग मैं तैयार कर रही हूँ। इस बैग में सबसे पहले याद करके कि हमारा फाइल ही ना रह जाए, तो सबसे पहले हम फाइल डालेंगे। अगर आपका बेबी कुछ फूड मीन्स खाता है, अभी जैसे कृषु खाने लगा है तो मैं एक उनका ये टिफिन हमेशा कैरी करती हूँ, तो उनका ये बेबी फूड है तो इसे हम दूसरे कंपार्टमेंट में रखेंगे, इसमें रख लेंगे। और थर्ड हम पानी तो बिल्कुल नहीं भूलना है, पानी तो रखना है। तो ये बाबू का थर्मस है जो कि हम कहीं भी जाते हैं तो इसे लेकर कैरी करते हैं। और एक एक्स्ट्रा हम पैंट रख लेंगे, पैंट ऐसे तो डायपर डालते ही हैं बट एक एक्स्ट्रा पैंट और एक टी शर्ट होना चाहिए, कभी वोमिटिंग वगैरह हो जाए या कुछ भी तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा ये पैंट डालेंगे और एक्स्ट्रा डायपर। बहुत मुझे बस 2 घंटे में ही वापस आना है तो इसीलिए, और एक एक्स्ट्रा टी शर्ट डाल लेंगे। और याद करके अपना वॉलेट ले जाना ना भूले क्योंकि वहाँ पे बिना पेमेंट का डॉक्टर कुछ नहीं सुनता है। और ज़रूरी की चीज़ें एक पेन रख लेंगे, पेन भी बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ चेंज पैसे वगैरह। और एक हैंकी रख लेंगे, हैंकी भी बहुत ज़रूरी है। और ये स्वेटर मैं उनको पहना के लेके जाऊँगी, अभी ठंड है। और ये टोपी अभी हम रख लेंगे, इसे अभी पहनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी धूप है तो इसे हम रख लेंगे। उनका एक नोज़ल रख लेंगे बैग में, अगर कुछ फीवर वगैरह है तो आप वोमिटिंग फीवर का मेडिसिन रख सकते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं रख रही हूँ। और एक अपना शर्ट भी रखूँगी मैं, क्योंकि आते आते शाम हो जाएगी और ठंड लगने लगेगी तो ये हमें हम पहन के आ सकते हैं इसकी वजह से। तो ये हमारा बैगेज तैयार हो गया है। और भी कभी भी आप अकेले अगर जा रहे हैं तो अपना मोबाइल, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पर्स में होता है हमेशा होता है वो रखना चाहिए। और अभी मैं जैसे अकेले जा रही हूँ तो मुझे मोबाइल अपना पूरा चार्ज होना चाहिए, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान रखनी चाहिए। और हमें कभी भी हील नहीं पहननी चाहिए और अपने बालों को एकदम ऐसे बंद बना के मीन्स बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से रख के जाना चाहिए ताकि वहाँ पे डॉक्टर के पास जाना है हमें कभी फैशन शो में नहीं जाना है इसकी वजह से। बिल्कुल मीन्स ऐसा डॉक्टर बोल जाने के बाद बहुत बोलते भी हैं कि जब आप ऐसे बाल खुले करके आ रहे हो तो बेबी को जब खाना भी खिलाते होगे तो उसके साथ माउथ में जाता होगा, या बहुत सारी चीज़ें हैं। और नेल तो कटे हुए होने चाहिए, ये देखिए मेरे जाने से पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर ली हूँ। तो मीन्स ये सब चीज़ें के ध्यान भी वो डॉक्टर बहुत ही देते हैं, तो वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। और मैं कृषु को लेके जा रही हूँ उनके पास, तो आप ही चलिए, मेरे कृषु को रेडी करा लेती हूँ फिर चलते हैं। तो ये आ गए हैं और इनको मैं अभी रेडी कराती हूँ। तो रेडी में अभी डायपर पहनाना है, पैंट पहनाना है, और देन मैं बताई थी जैसे स्वेटर पहनाऊँगी तो ये स्वेटर पहनाऊँगी। तो चलिए फटाफट हम पहना के तैयार कर लेते हैं। इस रूम में लाने से ना वो खिड़की से ही देखता रहता है क्योंकि बाहर जेसीबी से काम चल रहा है और बच्चे को जेसीबी की आवाज़ कितनी पसंद है सबको पता ही होगा, ऐसा लगता है ना कि सब चीज़ यहीं पे है तो हमेशा उधर ही देखता रहता है। लास्टली मेरा नर्सिंग कवर रह गया है तो मैं वो रख लेती हूँ क्योंकि उनको फीड कराने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। फिर हम जल्दी से निकल जाते हैं, देन हमारा चेकअप हो गया है और सब चीज़ नॉर्मल है। रात हो गई है काफ़ी, तो आप देखिए कितनी अंधेरी रात हो गई है, तब तक घर जाना है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। बाय बाय।